आज हम बात करेंगे फौजी गेम के बारे में। फौजी का मतलब है कि यहाँ पे फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। इस गेम जो कि आप कह सकते हैं कि बैटल गेम है, पबजी की तरह ही है। इसकी अनाउंसमेंट तब हुई जब यहाँ पे पबजी बैन हो गया। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो सबसे बड़ी चीज़ सोचने वाली वो ये है कि जैसे ही पबजी बैन हुआ, उसके नेक्स्ट डे ही फौजी की अनाउंसमेंट हो गई, एज इफ कि जो मेकर्स है फौजी के, जो गेम के, जिसका नाम है एनकोर गेम, जो कि बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, उनको पहले से ही सारी खबर थी। तो उस पर तो मैं आप लोगों को बात करूंगा ही करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि फौजी का क्या जो पोस्टर है वो कॉपीड है, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने हमें यहाँ पे दो पोस्टर भेजे। उन्होंने कहा, सर देखिए फौजी का पोस्टर जो है डुप्लीकेट कॉपी है। तो इस पर भी मैंने रिसर्च की, तो इस पर जो मुझे पता लगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसके बाद यहाँ पर फौजी गेम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। हालाँकि ये अनाउंसमेंट की गई है कि फौजी का जितना भी पैसा जनरेट होगा उसका 20% हमारे देश के वीरों को दिया जाएगा। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप नहीं समझ पा रहे, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि क्या फौजी का पोस्टर कॉपी है, इस पे बात करते हैं। तो मैंने तो दोस्तों इस पे रिसर्च की, तो जैसे ही फौजी जो यू नो लॉन्च हुआ इसका पोस्टर, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कई सारे ट्विटर पे जोक बनने लग गए। सो यहाँ पे जो सच है वो ये है दोस्तों कि ये जो इसका पोस्टर है वो बिल्कुल कॉपी है। शटर स्टॉक पे आप लोगों को स्टॉक इमेज मिल जाएगी, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफ जो फौजी की पोस्टर में आ रही है, वो एक गाना आया था टुडे वी राइज, राइट, बैंड था बाय बैंड कॉलिजन ऑफ इनोसेंस। आप ध्यान से सुन लेना, टुडे वी राइज एक गाना आया था जो कि बनाया था बैंड कॉलिजन ऑफ इनोसेंस ने, उसमें भी ये अपीयर हुआ था और शटर स्टॉक पे भी है। सो इससे क्लियर जाहिर होता है कि ये जो पोस्टर है वो कॉपी मारा गया है, बस इनमें थोड़ी सी एडिट कर दी है और नीचे नाम वगैरह लिख के जो है प्रेजेंट कर दिया गया है। तो सबसे पहली तो गलती यही है मेकर्स की कि कम से कम यार इतनी जल्दबाजी भी क्या काम की, कम से कम यहाँ पे थोड़ा तो ओरिजिनलिटी लेके आ जाते। नाम तो आपने कॉपी कर ही लिया है, कम से कम पोस्टर तो ओरिजिनल बना लेते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर हम किसी चीज़ की कॉपी बनाते हैं ना, सो वहाँ पे हम अपनी जो ओरिजिनलिटी है, अपनी जो वैल्यू है वो खो देते हैं। अब मान लो अभी गूगल चल रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे मूगल बनाओ कोई वेबसाइट इंजन, तो आप आपकी जो अपनी ओरिजिनलिटी है वो तो खो गई, आपको तो कोई याद नहीं रखेगा। आपके मूगल को लोग ये बोलेंगे गूगल की कॉपी है। सो यहाँ पे फौजी के जो मेकर्स हैं एनकोर गेम्स, उनको ये समझना था कि जल्दबाजी ना करके कम से कम थोड़े दिन बाद लॉन्च कर देते, बट यहाँ पे ओरिजिनल तो होती चीज़ है, उसका ज़्यादा फ़ायदा होता और नाम कॉपी करना नहीं चाहिए था बिल्कुल। अभी तो बिल्कुल लग रहा है कि मतलब पबजी का भाई फौजी आ गया है, मतलब इस तरीके से कॉपी मारा गया है, ये गलत चीज़ हुई है मतलब गेम के साथ। दूसरी चीज़ की जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है इसकी पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी को लेके कि पबजी बैन होता है और अगले दिन ही अनाउंसमेंट हो जाती है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो पोस्टर वगैरह की कहानी देखी कि कैसे इन्होंने कॉपी मारा है, तो यहाँ पे मेकर्स को पीछे की कहानी ये रही होगी कि मेकर्स को कुछ पता नहीं था। मेकर्स को ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे जानकारी थी, बट मेकर्स को जैसे ही पता लगा कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया पबजी, वैसे ही जो मेकर्स थे एनकोर गेम्स, अभी मैं इस कंपनी के बारे में भी आपको बताऊंगा कि तो एनकोर गेम्स ने यहाँ पे जल्दी से अपने एडिटर को बोला होगा कि चल भैया जल्दी बना दे कोई फौजी गेम, हम लॉन्च करने वाले हैं, अक्टूबर में करेंगे, अभी अनाउंसमेंट कर दो, क्योंकि अभी पबजी बैन हुआ है, तो अभी जितना जल्दी हम इस चीज़ को लोगों के सामने लेके आएंगे उतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी, उतने हमारे बिजनेस में फ़ायदा है। सो अभी जो फौजी गेम्स है इसके सामने सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज क्या रहेगा कि इसको यहाँ पे अच्छी क्वालिटी डिलीवर करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो है खेल चुके हैं, उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया है। अगर आप यहाँ पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, लोगों को एक दिन भी नहीं लगेगा आपकी पूरी की पूरी गेम फ्लॉप करने में, ये आप समझ के रख लो, राइट। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जैसे ही पोस्टर कॉपी किया लोगों ने इतना मजाक उड़ाया, अब यहाँ पे अगर गेम की क्वालिटी भी गिरा दी आपने, सो यहाँ पे जो है मतलब ये गेम नहीं चल पाएगी। जहाँ तक लॉन्च की बात करूँ तो ऐसा कहा जा रहा है कि अक्टूबर में इस गेम को लॉन्च किया जाएगा। एनकोर गेम्स की मैं बात करूँ, जैसे कि मैं बता रहा था एनकोर गेम्स में इंडिया गेम्स के जो फाउंडर थे विशाल गोंडल, उनका पैसा लगा हुआ है। विशाल गोंडल अभी एक कंपनी और चलाते हैं, गोकी फिटनेस वॉच वगैरह करके आती है, आप सर्च करना, अक्षय कुमार भी जिसका प्रमोशन करते हैं वो भी चलाते हैं। और एनकोर गेम्स में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अक्षय कुमार ने भी अपना पैसा लगाया है, ये ऑफिशियल है, कितना पैसा लगाया है वो नहीं पता, बट यहाँ पे उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जो है इसके लॉन्च की बात कही, क्योंकि उनका जो आप कहेंगे सोशल मीडिया हैंडल है, उनकी जो रीच है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी है, तो उनसे बेस्ट कौन हो सकता है इस चीज़ को लॉन्च करने में।
ठीक है जी, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे शुरू करते हैं बात कि यहाँ पे यू नो फ़ायदा किसका सबसे ज़्यादा है। तो फ़ायदा ऑब्वियस सी बात है कंपनी का ही ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो कंपनी एक बिज़नेस करती है, उसको अपने बिज़नेस से मतलब है, ठीक है जी। ये तो आप कह सकते हैं कि एक स्मार्ट बिज़नेस करने का तरीका है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि सैनिक वाला एंगल इसलिए डाला ताकि लोग इमोशनल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, और इससे कंपनी का फ़ायदा भी बढ़ेगा, तो उस हिसाब से जो है हमारे सैनिकों का शेयर भी बढ़ेगा। उसमें मैं कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत का टैग दिया है, मेड इन इंडिया का टैग दिया है, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हमारे देश को अभी मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे देश की जो सिचुएशन ख़राब हुई हुई है, जो रायता फैला हुआ है ऑलरेडी, उसको यहाँ पे संभालने की ज़रूरत है। हमारे देश की GDP माइनस में चली गई है, करोड़ों लोगों की जॉब गई है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का बुरा हाल है, उनके एग्ज़ाम को आप कह सकते हैं कि डिले हो रही हैं, चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे बिज़नेस जो करना चाहता है उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट में डर फैला हुआ है कोरोना का। उन सारी चीज़ों को सही करेंगे ना, तब इंडिया आगे बढ़ेगा। बहुत आसान है न्यूज़ रिपोर्टर जो आपको कह देते हैं कि हमारे देश ने चाइना को टक्कर दे दी, ऐसे टक्कर नहीं दी जाएगी। आप देखिए चाइना की इकोनॉमी हमारे से 10 गुना आगे चल रही है, राइट। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर हमको चाइना को टक्कर देनी है ना, तो हमारे को देश को यहाँ पे व्यापार बढ़ाना पड़ेगा अपना। जब व्यापार बढ़ेगा, इंडिया का व्यापार बढ़ेगा, तब इंडिया के लोग अमीर होंगे और तभी हम चाइना को टक्कर दे पाएंगे। आप पबजी बैन कर दोगे, हो सकता है उनका करोड़ों का लॉस हुआ होगा, बट यहाँ पे हज़ारों जो चीज़ें चाइना की आती है वो तो आप यूज़ कर ही रहे हो ना। आपका फ़ोन जो आप इस वीडियो को देख रहे हो वो शायद चाइनीज़ हो, शायद यहाँ पे मोदी जी जो फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या जो भी पार्टी है उनके जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं वो चाइनीज़ हो सकते हैं। सो आप ये सोचो कि चाइना तो इंडिया में भरा पड़ा है, अगर हमको चाइना से कम्पीट करना है तो हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। हो सकता है लोग नीचे कहेंगे कि तू चाइना का है क्या जो तू चाइना की यहाँ पे बातें कर रहा है, चाइना की बड़ाई कर रहा है। मैं कोई चाइना की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई चाइना से मतलब नहीं है, मुझे अपने देश के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को आप लोगों को बताना है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। और आप खुद सोच के देखो कि अगर आपको लगता है कि आपका देश आगे बढ़े तो क्या हम चाइना की बुराई करके आगे बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे देश में जो सरकार है उनको ये सोचना चाहिए कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, तभी बात जो है बनेगी दोस्तों। ऐसे यहाँ पे जो आप कह सकते हैं ना कि फालतू का जो फेक मोटिवेशन है उससे कुछ नहीं होने वाला। आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के। मैं आप लोगों के जो सजेशंस है वो बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आप लोगों से जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।